तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा गाइड फॉर टेक गूगल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन को प्रेस करके, और उसके बाद जो बेल आती है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो आप फिर नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्जल बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्जल में। और आज की वीडियो में बताने वाला हूं इनफोकस टर्बो 5 के सर्टिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और सर्टिफिकेशन बहुत बेहतरीन निकल के आते हैं। हालांकि जो फोन का प्राइस है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो आज इस वीडियो में इसके सर्टिफिकेशन बताऊंगा टर्बो 5 के, इनफोकस टर्बो 5 के। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चलिए जान लें। दोस्तों अगर बात करते हैं इनके सब्सक्रिप्शन की, जो निकल के आता है इनफोकस टर्बो 5 का, और बहुत ही मतलब सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छे हैं। अगर इतने प्राइस में आपको एक फ़ोन लेना है तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। पहले बता देता हूँ इसके सब्सक्रिप्शन क्या निकल के आते हैं। जो डिस्प्ले है वो दिया गया है 5.20 इंचेस का। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, जो प्रोसेसर में लगा है वो लगा है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का क्वाड कोर प्रोसेसर। फ्रंट कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। रिजोल्यूशन है 720x1280 पिक्सल्स का। रैम की अगर बात करें तो 2 GB की रैम दी गई है। OS पड़ा हुआ है 7.0। स्टोरेज आपको 16 GB की है। रियर कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का। बात करते हैं कि बैटरी कैपेसिटी की, जो निकल के आती है वो निकल के आती है 5000 mAh की बैटरी। मतलब अगर बैटरी की बात करें तो ताबड़तोड़ बैटरी दे दी गई। 5000 बैटरी बहुत होती है यार। मतलब इतने तो अगर आप महंगे फ़ोन भी लेते हो, बहुत महंगे फ़ोन भी लेते हो, तब भी उसमें 5000 mAh की बैटरी तो नहीं मिल रही है। अब ये देखते हैं इसका रिस्पांस कितना है। बैटरी तो 5000 की है, मतलब क्या ये आपको ज़्यादा मतलब इस बैटरी की क्षमता इसकी है भी या नहीं है, तो इसका रिस्पांस पता चलेगा इसके जब लोग इसको बाय कर लेंगे और इसके जब रिव्यूज़ निकल के आएंगे। अगर बात करते हैं इसमें मतलब प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, अगर प्रोसेसर की मतलब पूरा नाम बताता हूँ तो MediaTek का MT6737 प्रोसेसर लगा हुआ है और क्लॉक किया गया 1.3 GHz का। अब बात करते हैं यार इसमें मतलब क्या इसका प्राइस क्या निकल के आता है, जो मेन चीज़ है मतलब प्राइस क्या इसका निकल के आता है। तो अगर आप लेते हैं 2 GB रैम वाला और लेते हैं 16 GB स्टोरेज वाला तो आपको पड़ेगा 6999 रुपये का। वहीं अगर आप लेते हैं 3 GB रैम वाला और लेते हैं 32 GB स्टोरेज वाला तो आपको पड़ेगा 7999 रुपीज़ का, मतलब 8000 रुपीज़ का कुछ पड़ेगा। मतलब जो अगर 2 GB वाला लेते हैं तो आपको पड़ेगा 7000 का। अगर वहीं आप लेते हैं 3 GB वाला तो आपको पड़ेगा 8000 रुपये का। अब इसमें जो इतने प्राइस में एक और बेहतरीन जो चीज़ निकल आती है वो निकल करती है मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, 2.5D कर्व ग्लास भी है इसमें। तो ओवरऑल मतलब फ़ोन बहुत बेहतरीन। अगर मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ तो मेरे को तो लेना होता तो मैं तो बाइक कर लेता इनफोकस टर्बो 5 को। तो मेरा ओपिनियन निकल के आता है कि अगर आपको बाइक करना है एक बेहतरीन फ़ोन मतलब 7000 या 8000 के बीच में एक रेंज में, तो या तो आप इसका ले लीजिए 2 GB और 16 GB स्टोरेज वाला वेरियंट वाला फ़ोन, अदरवाइज आप ले लीजिए 3 GB और 32 GB स्टोरेज वाला वेरियंट वाला फ़ोन। तो ये मुझे तो इसके सर्टिफिकेशन अच्छे लगे। अगर बात करते हैं जो निगेटिव पॉइंट क्या निकल के आता है, हालांकि सभी फ़ोन में निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों होते हैं, तो इसमें जो निगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो खाली निकल के आता है इसका प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर थोड़ा और अच्छा कर देते तो और बेहतरीन होता, लेकिन यार ठीक है जितना है सब बढ़िया है। मैं तो अगर मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं इनफोकस टर्बो 5 को। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल गाइड उज्जल को, क्योंकि मैं उसमें रोजाना ऐसी सर्टिफिकेशन की वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।